एक न्यू वीडियो साथ दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब से एडसेंस का जो बीटा वर्जन आया है उसमें आपके जो आप अपने वीडियो के या डेली बेसिस के जो भी सीटीआर है या जो भी अर्निंग है वो कैसे डिटेल्स में हम देख सकते हैं और बीटा वर्जन को हम वाकई में यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता हूँ और आप भी स्टेप बाय स्टेप देखना, स्किप मत करना, छोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर छोड़ना ही था तो वीडियो प्ले क्यों किया यार, क्योंकि मैं इसमें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता हूँ और आपको मैं पूरा प्रूफ के साथ वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको पेज व्यूज सीटीआर इंप्रेशन जो भी है वो कैसे देखना है और हाउ टू यूज बीटा वर्जन आप ये भी वहाँ पर जान लोगे। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में जरूर प्रेस कर सकते हो। और किसी तरह के डाउट होगा इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और भी वीडियो रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मोबाइल के लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसे कुछ दिखता है। वेल फाइनली मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे हूँ और मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ और आप भी गूगल क्रोम पे ही यूज करना। और जब भी आप अभी अपने अगर एडसेंस को अगर आप होम पेज में जाते हो तो इस तरह से कुछ ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 00 ही शो कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी डाटा जो है अभी क्लियर हो गया है, यहाँ से आपको शो नहीं करेगा। तो इन्हें आपको करना क्या है, एक्चुअल अगर मैं बात करूँ जब कभी भी आप एडसेंस पे अगर आप क्लिक करके आते हैं एडसेंस पे तो डायरेक्ट होम पेज पे नहीं जाएंगे, आप किसी और पेज पे जाएंगे, यहाँ पे इस पेज पे आपको डायरेक्ट लेके आएगा। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पर रिपोर्ट और बीटा वर्जन दिख रहा है और ये ऑन है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई भी डाटा जो है यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, मतलब कि एकदम बिल्कुल ये ब्लैंक ब्लैंक और ब्लैंक शो कर रहा है। आई मीन अगर ये दिखाता तो यहाँ पे डेट दिखाता, यहाँ पे ये पेज व्यूज, यहाँ पे RPM, आई मीन आप समझ पा रहे इंप्रेशन क्लिक CPC और पेज CTR, यहाँ ये सब कुछ दिखाने वाला है, यानी कि आप वही चीज यहाँ पे भी दिखाने वाला है राइट। लेकिन यहाँ पे जो है डाटा अभी जो है अपडेट नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो अभी अपने को करना क्या है, आपको जो है ये जो बीटा वर्जन यहाँ पे दिख रहा है इसको करना है आपको ऑफ। जब आप ऑफ कर देंगे तो आपको कुछ और एक नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। लेकिन अगर आप गलती से अगर होम पेज पे आए होंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहां पे रिपोर्ट दिख रहा है, आपको दो जगह में रिपोर्ट दिख रहा होगा, एक यहां पे रिपोर्ट्स और यहां पे जो दिख रहा होगा वो होगा व्यू रिपोर्ट राइट। अब इस पेज पे आने के लिए जो पेज यहां पे मैं ओपन किया हूं, इस पेज पे आने के लिए आप यहां पे रिपोर्ट्स और व्यू रिपोर्ट पे भी क्लिक करके जा सकते हैं राइट। लेकिन अभी अपने को करना क्या है, ये जब आप ऑफ कर देंगे तो इस तरह से कुछ ब्लैंक यहां भी हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी डाटा यहां पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे जब जा रहे हैं तो यहां पे कुछ डाटा जो है वो शो हो भी रहा है। यहां पे देखिए 5 सितंबर तक की शो हो रहा है, मतलब आप डेली का जो भी है आप देख पा रहे हो, यहां पे पेज व्यू है, इंप्रेशन है, मैं ऊपर लाइन की बात कर रहा हूं ये देखिए, और इसकी जो डाटा है डेली बेसिस पे यहां पे है राइट। लेकिन यहाँ पे CTR तो नहीं देख पा रहे कि हम CTR कहाँ पे है, ये हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, आपको थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे और आपको यहाँ पे ऐड जो प्रोडक्ट यानी फिर फिल्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप यहाँ पे ध्यान में देखिए, यहाँ पे आपको फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर के बाद में ऐड है, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है राइट। तो अभी आपको क्या करना है, इस ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोडक्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट पे सिलेक्ट जब आप करेंगे तो आपको सेम नीचे में सबसे यूट्यूब होस्ट दिख रहे हैं, यहां पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे फिर भी आपको इस तरह से कुछ यहां पे डाटा शो नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ी सी यहां पे कुछ और सेटिंग की जरूरत है। अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे 30 अगस्त 2020 टू 5 सितंबर 2020 शो कर रहे हैं, मतलब कि यही रॉन्ग है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, बाय द वे अगर आपको यहाँ पे डाटा नहीं आता है तो देन यहाँ पे यही मिस्टेक होगा, फिर आपको डेट में जाना है और आप 7 डेज का देखना चाह रहे हो या डेली टुडे का, तो मैं टुडे यहाँ पे देखने पा रहा हूँ। तो टुडे पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा जो है आ जाएगा। अगर आपको अगर यहाँ पे डाटा अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डाटा नहीं आ रहा है तो आपके डेट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा है राइट। अब आपको CTR देखने के लिए यहाँ पे जो क्लिक दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं।
अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देन एक और नया टैब यानी कि एक नया टैब या पेज एक ओपन होगा और आप यहाँ पे देख पा रहे हो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंप्रेशन भी है, क्लिक्स कितने हुए हैं, CTR मेरा सही है 4.28%, सॉरी CPC ये है 1.01 डॉलर या पैसे बोल सकते हो, इंप्रेशन RPM इतना है और मेरी जो अर्निंग है अभी फिलहाल तक की अर्निंग जो है ये इतनी हुई है, राइट। अगर हम थोड़ा सा इसके नीचे आते हैं तो एक दिन का ही यहाँ पे डिटेल्स शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसे ही अगर चाह रहे हो 1 वीक का देखने के लिए तो फिर से यहाँ पे डेट पे क्लिक करना है, ओके, और यहाँ पे लास्ट 7 डेज का देख सकते हो, तो आपको 7 डेज का आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, 7 दिन पहले का लेके और अभी तक यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरह से करके आप अपना जो है वो डेट सिलेक्ट करना है और जो भी देखना चाहते हो ऐसे यहाँ पे डेट के जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट का। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ तो आप जान गए होंगे कि वीटा वर्जन में कुछ उतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था आपके सामने मैंने दिखाया। जरूर वीडियो को लाइक करना और शेयर भी जरूर करना और चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। भाई के लिए कुछ कमेंट होगा तो मुझे ड्रॉप कर देना बॉक्स में, उसके रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।